जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। देर रात टिकरापारा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ से जुड़ा ये मामला सामने आया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां बदमाश राजा बैझाड़ ने फायरिंग करने की कोशिश की है, कट्टा लॉक होने की वजह से फायरिंग नहीं हो पाई। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को गिरफ्तार किया है। घटना में एक पुलिस जवान भी घायल हुआ है। तो आरोपी के पास से कट्टा और चाकू बरामद किया गया। पुलिस टीम में टीआई सहित 5 सदस्य शामिल थे। आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक केस भी दर्ज हैं। हत्या, लूट, मारपीट जैसे कई मामले दर्ज है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, रायपुर से जहां मुठभेड़ से जुड़ा यह मामला है, बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। हत्या, लूट, मारपीट जैसे कई मामले उस बदमाश पर दर्ज है। हालांकि एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। देर रात टिकरापारा में पुलिस और बदमाश के बीच झड़प की स्थितियां बनती रही। बैझाड़ ने फायरिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन कट्टा लॉक था जिसकी वजह से फायरिंग नहीं हो पाई। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को हिरासत में लिया। तो रायपुर से अहम खबर है, एक बार फिर से चाकूबाजी और बदमाश के हौसले किस कदर बुलंद है, उसका जीता जागता नमूना, जीता जागता उदाहरण इस वक्त सामने आया जब देर रात की घटना है। बदमाश और पुलिस के बीच झड़प की स्थितियां बन गई और बदमाशों पर हत्या, लूट जैसे कई मामले इसके पहले भी दर्ज किए जा चुके हैं। घेराबंदी की गई और उसके बाद आरोपियों तक पुलिस पहुंची और अब कई व्यक्ति जो है वो हिरासत में लिए गए। बदमाश राजा बैझाड़ से जुड़ा ये मामला है जब फायरिंग की गई, हालांकि कट्टा लॉक था जिसकी वजह से फायरिंग नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए घेराबंदी कर बदमाशों को हिरासत में लिया है। तस्वीरें भी देखिए सामने आई उस वक्त की, जब बदमाशों और पुलिस के बीच झड़प की स्थितियां मची रही, खींचतान की स्थिति मची रही। रायपुर से यह अहम खबर, जब एक बार फिर से बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है, उसकी तस्वीरें देर रात कैद हुई हैं। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इसके बाद हिरासत में लिए गए हैं कई बदमाश। आगे विवेचना जारी है, पूछताछ की जा रही है। बदमाश राजा बैझाड़ ने फायरिंग करने की कोशिश की और कट्टा लॉक होने की वजह से फायरिंग नहीं हो पाई। तो आरोपियों के पास से कट्टा और चाकू बरामद किया गया है। लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही राजधानी रायपुर में और एक बार फिर से इसी तरह की स्थितियां बनी जब पुलिस और बदमाशों के बीच झड़प होने लगी। मोहम्मद हसन, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। हसन, एक बार फिर से राजधानी में इस तरह की घटना हुई है, क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी? ये पूरी घटना जो है आपको मैं बता दूं, ये जो राजा बैझाड़ नामक ये जो आरोपी है, राजधानी रायपुर का काफी कुख्यात आरोपी है। इसके खिलाफ हत्या के केस, हत्या के प्रयास के केस समेत दर्जन भर से अधिक आपराधिक प्रकरण जो है अलग अलग थानों में दर्ज किए गए। आरोपी को हत्या के केस में जेल भेजा गया था। वहीं जेल भेजने के बाद आरोपी को कोर्ट से पैरोल मिली थी, लेकिन पैरोल मिलने के बाद जब पैरोल खत्म हुई तो आरोपी जो है उसने सरेंडर नहीं किया था, वापस जेल नहीं गया था। लंबे समय से जो है वो फरार चल रहा था। इसी दौरान पुलिस की विशेष टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी जो है टिकरापारा इलाके में देर रात पहुंचा हुआ है, जिसके बाद टिकरापारा थाना की पुलिस की जो विशेष टीम है वो वहां पर गई हुई थी उसे गिरफ्तार करने। लेकिन इसी दौरान आरोपी ने पुलिस के साथ मुठभेड़ करने की कोशिश की, अपने पास रखे कट्टे से फायर करने की जो है पुलिस पर कोशिश की गई। आरोपी के पास से आपको मैं बता दूं, लोडेड कट्टा जो है वो जब्त किया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से काफी कुख्यात आरोपी जो है ये राजा बैझाड़ माना जाता है। इसके खिलाफ हमने खबर भी दिखाई थी कि ये लंबे समय से पैरोल पर होने के बाद से फरार चल रहा है। हालांकि इस मामले में एक पुलिसकर्मी को भी जो है यहाँ पर चोट आई है। थाना प्रभारी समेत 5 से 6 लोगों ने मिलकर के इसे गिरफ्तार कर लिया और अब इसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। और भी कोई साथी थे बदमाश के? देखिए, जो जानकारी मिली, राजा बैझाड़ अकेला वहां पर रह रहा था और लंबे समय से जो है पैरोल पर जेल से बाहर था और फरार चल रहा था, उसने सरेंडर नहीं किया था। लेकिन ये काफी कुख्यात आरोपी, इसके पास से लोडेड कट्टा और चाकू बरामद किया गया। इसने पुलिस पर भी फायर करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं राजधानी में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है। हालांकि कहीं ना कहीं पुलिस की टीम ने जो है वो साहस दिखाते हुए थाना प्रभारी समेत लोगों ने यह कड़ी मशक्कत के बाद इसे जो है गिरफ्तार किया है। जानकारी के लिए हसन, देर रात टिकरापारा से जुड़ा यह मामला है जब बदमाश राजा बैझाड़ ने जिस तरह से फायरिंग करने की कोशिश की, इसे पकड़ने के लिए विशेष टीम गई थी और इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया है।